about City Street? City Street? Okay. Great. It's nice. वैसे आजकल क्या है ना कि बिकॉज ऑफ वीकनेस कमजोरी की वजह से हमारी कमर जो है कमजोर हो चुकी है। अब कितना बैठेंगे ऐसे, कमर में जाना ही जाना है। हाँ गए। और स्पेशली हम क्या करते हैं कि वी डोंट स्टैंड ऑन आवर फीट, हम पैर पे खड़े नहीं होते हैं, वी स्टैंड ऑन आवर वेस्ट, हम अपनी कमर पे खड़े होते हैं, राइट। अब मैं जो चल रहा हूं, अब देखो मैं कहां से चल रहा हूं, अब पैर से चल रहा हूं, यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। अब मैं कहां से चल रहा हूं, पैर से चल रहा हूं। अब फिर देखो अब कहां से चलने लगा, फिर से कमर से, कमर से नहीं चल रहा। हाँ, क्योंकि लंबे लोग बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते और लंबे लोग ही एक पैर पे पैर ऐसे करके खड़े होते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, पूरा बैलेंस बनाएंगे तो बॉडी इतनी टॉल है ना कि थोड़ा दिक्कत होती है उनको, लेकिन बनाना है आपको। आप कहीं भी खड़े होंगे स्ट्रेट खड़े होंगे, चलेंगे तो आप स्ट्रेट एक फोर्स के साथ चलेंगे, राइट। यस, रैंप वॉक देखियो ना, राइट, यू हैव टू वॉक लाइक दिस। अब आपको चलना है, ओके गाइस थैंक यू सो मच, जो भी आपको करना है यू कैन डू दैट। तो ये आप, अब सिटिंग वाला मामला जो है, बैठने वाला, तो ये आपने बैठा, और कभी कभी क्या होता है कुछ लोग बहुत आगे आके बैठ जाते हैं, कुर्सी पीछे गई तो आपका क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग बहुत पीछे जाके बैठते हैं, दैट्स रॉन्ग। ये है सिटिंग, राइट, फाइन, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम? चलो, गांव की लड़की को ज्यादा नॉलेज है एंड सिटी गर्ल हैज लेस नॉलेज, बट सिटी वाली विलेज में जब जाएगी, ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, आई डोंट लाइक दिस, कम ऑन, तो गांव वाले सोचेंगे बहुत पढ़ी लिखी है, माँ कसम, ओए कितना बस में कितना रश है, आई डोंट लाइक दिस, राइट। सो व्हाट विल हैपन, उसके एक्सप्रेशन की वजह से उसके टैलेंट को मेजर कर लिया जाएगा, आंक लिया जाएगा, बट इट इज नॉट फैक्ट, ये सच्चाई नहीं है। आप यहां इंडिया के लोग अंग्रेज को दूर से देखते हैं तो भागने लगते हैं, अंग्रेज आया, अरे इज ए ह्यूमन बीइंग, वो इंसान है बट भाषा दूसरी बोलता है, ही स्पीक्स डिफरेंट लैंग्वेज, बट हम क्या भागने लगते हैं। और अंग्रेज भी जब यहाँ आते तो मुर्गी का फोटो खींच रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता कि मुर्गी वहां नहीं है क्या, बट वो होता है कि समथिंग इज न्यू, कुछ नया है आपके लिए सामने वाले के। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिकॉज अब जैसे मान लो मैं 26 या 25 का जो भी हो गया, मान लो मेरा बर्थडे, तो बर्थडे के पीछे मैं थोड़ी ना हूं, मेरे मम्मी पापा है, वो ना होते तो मैं ना होता, तो सबसे पहले मुझे किसको ग्रेटिट्यूड देना है, मेरे माँ बाप को, और वो हमेशा देना है जब तक मेरी सांस है और जब तक वो है, अगर वो कब्र में भी चले गए तो फिर भी मुझे ग्रेटिट्यूड उन्हीं को देना है, बिकॉज वो ना होते तो मैं ना होता। तो अब तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बट होता है क्या हमारे साथ, हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। अब जैसे आज मान लो आपने इंग्लिश सीख ली, यहाँ से हैप्पीनेस है, कल को आप थोड़ा अच्छे बन गए, और जैसे आप अच्छे बन गए, कौन अब्दुल्ला, कौन सदफ, यू विल फॉरगेट, आप भूल जाओगे, यू विल बी बिजी, नहीं, यू विल ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि आपका जो ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड है, माँ की कसम दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ग्रेटिट्यूड करो, एक ग्रेटिट्यूड करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है और मस्त रहता है। मैं तीन आपको वाकया बताता हूं। एक सबसे पहला वाकया ये है कि एक बच्चे को मैंने देखा, उसके पास सिर्फ 10 रुपए था, तो 10 रुपए उसने क्या कर दिया, भीख मांगने वाले को दे दिया, बहुत खुश था। मैंने देखा मुझे मैं आ गई, उस पर थोड़ा सा दया आ गई, तो मैंने 50 रुपए निकाला उसको दे दिया बच्चे को, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली और उस बच्चे को बहुत ज्यादा खुशी मिली और उस भीख मांगने वाले को भी खुशी मिली, तो हम तीनों लोग को खुशी मिली। और यह क्या है, यही तो है ग्रेटिट्यूड, दिस इज द ग्रेटिट्यूड। एक बुढ़ी माँ रोड नहीं क्रॉस कर पा रही थी इसी रेड लाइट पर मंगल बाजार की, आज से 3 साल पहले मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्रॉस करा दिया, गजब क्या खुशी मिली, आई गॉट सो हैप्पी, मैं बड़ा खुश हो गया, अभी ना 1 रुपये उनको दिया ना 1 रुपये लिया, आई गॉट सो हैप्पी, ग्रेटिट्यूड ही तो है, यही तो एटीट्यूड है आपका। एक लोग का ठेले से आलू गिर गया, सब्जी वाले का, 2 आलू गिरा, मैंने उठा के रख दिया ठेले पे, माँ कसम गजब खुशी मिली, और आई थॉट के क्या यार बताओ, आलू रखने में इतनी खुशी है, आलू खाने में जितनी नहीं खुशी उतनी आलू रखने में खुशी थी। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड एंड एटीट्यूड। इसीलिए बड़ी प्यारी सी लाइन है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड डिटर्स माइंस द हाइएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ।
पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, जो एक आपका सकारात्मक रवैया होता है, शुक्रिया करने का तरीका होता है, दैट डिटरमाइंस द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ, वही तय करता है कि आपका सबसे ऊंचा मुकाम क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, राइट? अभी यहां तो मैंने देखा है कि 5 ही लोग को कोचिंग दे रहे हैं तो एकदम एटीट्यूड में चलने लगे हार्ट, और वहीं से वो डाउनफॉल आ गया उनका, नीचे जाने लगे। व्हाई? बिकॉज एटीट्यूड चेंज हो गया। जहां पे वो 5-10 लोगों को कोचिंग दे कि इतना एटीट्यूड, तो वो 5-10 से 20 में नहीं जाएंगे, 100 में नहीं जाएंगे, वो डाउन है। एटीट्यूड शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, यू अंडरस्टैंड? दीज आर द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू एंड यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड एंड दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? समवन वेल सेड दैट, जैसे एक मान लो रोज है हमारे सामने, गुलाब है, गुलाब में कांटे होते हैं। अब गुलाब के पास आपके पास ऑप्शन दो है, एक तो आप गुलाब तोड़ लो, एक गुलाब को पानी दो। अब आप क्या करोगे? गुलाब जैसे खिलेगा तोड़ लोगे। इसका मतलब गुलाब को आप लाइक करते हो, आपका जो गुलाब की तरफ एटीट्यूड है वो लाइक का एटीट्यूड है, लेकिन अगर गुलाब को आप पानी दे रहे हो तो वो लव का एटीट्यूड है। लव में इंसान तोड़ता नहीं है, लव में इंसान पानी देता है, लाइक में इंसान तोड़ता है। लाइक में इंसान को एक्सपेक्टेशंस होती है, लव में नो एक्सपेक्टेशन। तो जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो लव वाला होना चाहिए कि आई विल ओनली गिव, मैं सिर्फ दूंगा ना कि लूंगा। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द थिंग्स दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। ये छोटी सी चीजें मैं आउट ऑफ सिलेबस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, इंपॉर्टेंट है, राइट? एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो समवन वेल सेड दैट योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर बिहेवियर। नेचर जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर इन आरजुओं का बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। अब इसको आप सोचो, एक टोन में गा रहे हो, विल एनीवन लाइक इट? जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरजू करते, मगर इन आरजुओं का बिछड़ना भी जरूरी था। नो, यू हैव टू जस्ट टुक टक टक टक, राइट? सो अब किसी को आप मान लो प्रपोज करने गए हो, सपोज गुलाब गुलाब सब अच्छा से ले गए, एकदम पूरा पैक करवा के गिफ्ट वगैरह सब ले गए बहुत अच्छे से, आई लव यू, यू अंडरस्टैंड? अभी क्या होगा? व्हाट विल हैपन दैट टाइम? आई लव यू, राइट? अब आपका टोन जो है वो आई लव यू वाला है नहीं, ये वो ये है, मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, आई एम डिफेंडिंग माई सेल्फ, आई एम रनिंग अवे, राइट? तो नो बडी विल लाइक इट। दैट्स वाई आपको क्या करना है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो द टोन, राइट? तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, फिर आएगा मामला, ठीक है? आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच, आई लव यू लाइक आई लव माई सेल्फ। तो अब यहां पे जिन चीजें होगी वो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टोन बहुत ज्यादा मायने रखता है, राइट? गालिब ने कहा था कि अरे चांद तू इतना क्यों इतराता है, तुझे ये नहीं पता कि तू जमीन से भी नजर आता है। तो चांद को इतराना नहीं चाहिए, जमीन से नजर आ ही तो रहा है, आप कभी भी चले जाओ कितने ऊपर आओगे नजर, इसलिए इतराना नहीं चाहिए। तो वो भी टोन है, राइट? दैट इज अ टोन, यू अंडरस्टैंड? मस्जिद में बैठ के पीने दे या वो जगह बता जहां खुदा नहीं, काफिर के दिल में जा वहां पे खुदा नहीं, काफिर के दिल से आया हूं वहां पे खुदा है लेकिन उसको पता नहीं, फिर जन्नत में जाके पी, वहां पीना मना नहीं। अगर जन्नत में चला गया तो पीने की कोई वजह नहीं, क्योंकि वहां पे खुशी ही खुशी रहेगी, एंजॉय करो, पीने की क्या जरूरत? दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, एनीवे लेक्चर है, सारी चीजें आप माइंड में जा रहे हैं नहीं जा रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वंस व्हाट हैपेंड हैव यू सी, जैसे कुछ चीजें आप देखते हैं दैट बिकम्स वायरल, अचानक के कम्स ऑन द इंस्टाग्राम रील एंड दैट गोज वायरल, मिलियंस मिलियंस मिलियन, व्हाट हैपेंस दैट दैट इज नॉट कॉपी पेस्ट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट एंड यूनिक स्टाइल। और जब भी आप कोई चीज स्टाइल में अपने बोलोगे तो कब किसी से कनेक्ट कर जाए, यू डोंट नो, यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दैट कनेक्ट्स टू एनीवन। सपोज कभी कभी आपके नो कहने से भी यस हो जाता है,